लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग के नेक्स्ट जेन DISE सॉफ्टवेयर में चुनावी कर्मियों की डाटा एंट्री को लेकर वीरवार को प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला DRDA सभागार ऊना में हुई, जिसमें मौजूद कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की जरूरत और अनिवार्यताओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। ऐसा ना हो कि आप ट्रेनिंग में ये कहता हूँ कि हमारा जो देश है, हमारा लोकतंत्र है, उसकी सबसे बड़ी निशानी है चुनाव। हर व्यक्ति का जो है एक वोट है, चाहे अमीर हो सके, उसके लिए चुनाव की पवित्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वो तभी संभव होगी जब हमारे डेडिकेटेड ऑफिसर हमारे लिए चुनाव में काम करें। आप देखिए जो विभिन्न इस चीज को समझिए कि ये सब संभव है क्योंकि आप जैसे हजारों लाखों लोग विभिन्न जगहों पर अपनी ड्यूटी देते हैं 24/7 काम। आज जो हमारा इलेक्शन में जो कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी लगनी है वो DISE सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगनी है, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा एंट्री है उसको लेकर विभिन्न विभागों में कुछ शंका समाधान थे या कुछ डाउट्स थे, या किन कैटेगरीज की ड्यूटी एंट्री करनी है, कौन सी कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है, उसको लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यशाला का जो आयोजन किया गया था वो माननीय उपायुक्त महोदय श्री जतिन लाल जी के निर्देशानुसार किया गया था। उन सर ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि DISE में एंट्री में, डाटा एंट्री में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, डाटा की पवित्रता और सैंक्टिटी जो है वो बनी रहे, और डाटा जो एक्शनेबल डाटा एंटर हो ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई किसी प्रकार की ग्लिच या दिक्कत ना आए। तो इसको लेकर आप सभी विभागों को एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, और इसको लेकर ही आज हमने ट्रेनिंग के साथ विभागों को जो इंस्ट्रक्शन है वो इम्पार्ट कर दिए हैं, और इसके साथ ही आज जो ट्रेनिंग, जैसे ही हमारे यूजर नेम पासवर्ड आते हैं तो डाटा एंट्री का काम स्टार्ट हो जाएगा।